हाय एवरीवन, वेलकम ऑन मैट कैम क्लासेस। आज हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी ग्रुप थ्योरी चैप्टर को। और ग्रुप थ्योरी में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के आगे हमें बढ़ना है और प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें देखना है क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो सारे के सारे जो पार्ट्स थे वो मैंने समझ लिए थे हम लोगों ने, जो मॉलिक्यूल्स थे कुछ वो मैंने आपको चेक करने को दिया होगा, तो होपफुली आपने उसको कर लिया होगा। बहुत ही ईजी पार्ट था वो। अब एक दो मॉलिक्यूल्स और देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने अगले सिमेट्री एलिमेंट की ओर। तो जैसे कि अगर के सामने मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं CH4 मॉलिक्यूल मेथेन, तो मेथेन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं ये आपको पता करना है। ठीक है, मेथेन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं ये आपको पता करना है। तो मेथेन में आपको पता है कि मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन एक बॉन्ड क्या ये बेसिकली टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो अगर मैं कह दूं कि ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, ये बिलो द प्लेन हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये CH बॉन्ड और ये CH बॉन्ड क्या है आपके बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन क्या है बाहर की तरफ आ रहा है और एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जरा मैं इसको इस तरफ से देखूं। अगर आप क्या करिए, इसको इस तरफ से देखिए। अगर इधर से इसको आप देखेंगे तो आपको क्या देखेगा, अगर इस तरफ से इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो क्या देखेगा कि आपकी तरफ दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, दो हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहे हैं और दो हाइड्रोजन आपसे दूर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस व्यू से देखूं तो इस व्यू से मैं मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बना सकता हूं। ये आपका कार्बन सेंटर आपको दिखेगा, ये वाला कार्बन सेंटर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बेसिकली एक हाइड्रोजन आपकी तरफ आता हुआ आपको दिखेगा, तो आपकी तरफ आ रहा है इसका मतलब अबव द प्लेन बना लीजिए। और ये नीचे वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, अबव द प्लेन आ गया। बोलिए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। और ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन ये क्या है, बिलो द प्लेन जा रहे हैं। तो इन दोनों को क्या कर देंगे आप, बिलो द प्लेन बना सकते हैं। तो ये आ गया दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन और ये आ गया आपका दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। तो ये दोनों के दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, बस अलग अलग एंगल से देखने पर हमें अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डालना है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें भाई, तो अभी देखो मैं आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी डाल सकता हूँ मैं, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल सकता हूँ। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए जरा, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को बेसिकली, एक मिनट, यहां से मैं इससे बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए आप, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे आप तो यहां से आपको एक बात क्लियर समझ में आएगी। वो बात क्या क्लियर समझ में आएगी कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन बेसिकली किसको कंसीडर कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा ये वाला प्लेन बोर्ड के प्लेन में ही प्रेजेंट है और इस प्लेन में हो क्या रहा है बेसिकली, इस प्लेन में आपका ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, ये तीनों के तीनों इस प्लेन से क्या हो जाना है, बाइसेक्ट हो रहा है। तीनों के तीनों प्लेन से क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। और ये वाला जो अबव द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा पीछे वाले पर और पीछे वाला रिफ्लेक्ट होकर कहां चला आएगा, आगे वाले पर। इसका मतलब इस प्लेन को अगर डालें, इस प्लेन को अगर डालें तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, बिल्कुल सिमेट्रिक इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बिल्कुल इक्विवेलेंट बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस प्लेन। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस प्लेन द molecule will be equivalent to its initial configuration, it means it can be considered as a plane of symmetry. तो ये जो plane होगा आपका, ये plane कैसा होगा आपका, एक plane of symmetry होगी ये, आपका ये sigma का काम कर सकता है। तो अब sigma का इस जरा सा behavior देखो, अगर मैं इस sigma को दिखाऊं, ये तो आपके board के plane में present है। अगर मैं यही plane आपको यहाँ से दिखाता हूँ इस वाले structure में, तो अगर मैं ये एक plane डाल दूँ, ये एक plane, ये plane कैसा plane है, ये plane ऐसा plane है जो कि ऐसे आ रहा है सामने की तरफ। तो ऐसे plane आने पर basically क्या हो रहा है कि ये इस hydrogen को cut कर रहा है, इस hydrogen को कट कर रहा है जो कि ये दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, और इस कार्बन को कट कर रहा है जो कि ये कार्बन है और ये वाला हाइड्रोजन इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि ये दोनों आपस में है। ठीक है, तो इसका व्यू मैंने वैसे ही बनाकर दिखा दिया। तो ये वाला प्लेन भी क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये दोनों क्या है, सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसका एक बिहेवियर अगर ध्यान से आप समझोगे, इस मॉलिक्यूल का एक ध्यान से बिहेवियर समझोगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। वो बात आपको क्या समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये दो सीसी बॉन्ड्स को, दो सीएच बॉन्ड्स को क्या करता है, कंटेन करता है। किन्हीं भी दो सीएच बॉन्ड को आप कंटेन कर सकते हैं। कैसे, किन्हीं भी दो का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस वाले देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से समझना इस बात को कि किन्हीं भी दो सीएच बॉन्ड को कंटेन करता हुआ कोई प्लेन होगा तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम कर सकता है। कैसे, जैसे अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को क्या करूं, देखो ये वाला कार्बन है, ऐसे अगर मैं क्या करूं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दूं, इस वाले CH बॉन्ड को पकड़कर, मैं इस CH बॉन्ड को मैंने पकड़ लिया और CH बॉन्ड को क्या किया, अब मैंने इस मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाया, तो क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा, बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहां बिलो द प्लेन चला जाएगा और ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन घूम के आगे आ जाएगा। इसका मतलब है अगर इसमें आप नंबरिंग कर दो, अगर क्या कर दो आप इसमें नंबरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3।
आरी बात समझ में आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका बेसिकली बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, ये आपका बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। तो बिलो द प्लेन हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अबव द प्लेन हाइड्रोजन जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। और इस प्लेन में जो हाइड्रोजन आ जाएगा वो आपका कौन सा आ जाएगा? पहला वाला आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर आप एक प्लेन डाल सकते हैं, ये फिर से प्लेन डाल सकते हैं, जो क्या करेगा, इस H को कंटेन करेगा, इस H को कंटेन करेगा और इस कार्बन को कंटेन करेगा। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं कह दूंगा आपको ये वाला जो प्लेन है सिग्मा प्लेन, ये तो ये भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब है कि CH4 मॉलिक्यूल में किसी भी दो CH बॉन्ड को कंटेन करता हुआ जो एक प्लेन होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम कर सकता है। अब वो प्लेन कोई सा भी हो सकता है, वो प्लेन कोई सा भी हो सकता है, आपके CH4 मॉलिक्यूल में, आपके CH4 मॉलिक्यूल में आप किसी भी दो CH बॉन्ड को कंटेन करता हुआ एक प्लेन ले लीजिए। मतलब एक प्लेन ऐसा डालेंगे जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ये प्लेन लेंगे जिसमें ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू CH4 मॉलिक्यूल, इस बात को नोट कर सकते हो आप क्या, कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू टू CH बॉन्ड ऑफ CH4 molecule will be a plane of symmetry. And now we have to consider how many plane of symmetry will be there in CH4 molecule. अब आपको पता है क्या कि आपके पास basically यहाँ पर भाई क्या है कि 4 CH bond present है। कितने हैं? 4 CH bond. 4 CH bonds भी है, 4 CH bonds. कितने हैं हमारे पास? 4 CH bond. तो हमारे पास 4 CH bond है। एक मिनट मैं इसको ऊपर कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, तो हमारे पास थोड़ी लिखने की जगह हो जाएगी। अब क्या है, आपके पास 4 CH bonds हैं, तो 4 CH bonds में से किन्हीं भी दो bond को आप select करोगे, तो selecting 4 CH bond, 4 में से दो का selection आपको करना है। तो mathematics आपसे कहती है कि कभी भी आपको n में से अगर आपको R चीजें select करनी है, तो इसको आप NCR लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? NCR लिख सकते हो। अब इसका एग्जांपल यहां पर क्या है, 4 में से दो सेलेक्ट करने, कोई भी दो। तो मैथमेटिक्स से काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप किस किस हाइड्रोजन को निकालने की इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मैं बता सकता हूं, बाकी आप चेक कर सकते हो। आपका कहोगे कि इसको नंबरिंग दे देना 1 2 3 4, तो कह देना 1 2 को जो कंटेन करेगा, फिर कहना 1 3 को जो कंटेन करेगा, फिर कहना 1 4 को जो कंटेन करेगा, फिर कहना 2 3 को जो कंटेन करेगा, 3 4 को जो कंटेन करेगा, 2 4 को जो कंटेन करेगा। इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो वहां से भी निकल आएगा, लेकिन अब डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं तरीका मैथमेटिक्स यूज करके क्या, कि NCR बेसिकली हमसे कहता है कि N में से R को सेलेक्ट करना, N में से कितने R को सेलेक्ट किया जा सकता है, अगर N में से R चीजें सेलेक्ट करनी है तो इसको कितनी तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है अगर कोई बाउंड्री कंडीशन ना हो। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि सिर्फ दो CH, दो हाइड्रोजन आपको सेलेक्ट करने हैं 4 में से, आपको मतलब नहीं है कि कौन से दो हाइड्रोजन है, कोई भी दो हाइड्रोजन हो सकते हैं। ये बात मैंने अभी आपको यहां पर क्लियर कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर आप लिख सकते हो इसको 4C2, और 4C2 का जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, आप ये बात ध्यान रखना, 4C2 का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, 4 × 3 / 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 से 2 ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 ट्वाइस 3 जा 6 आ जाएगा। तो यहां पर आपका क्या आएगा, ऐसे 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे CH4 मॉलिक्यूल में। ऐसे आप वहां से काउंट कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। पहला प्लेन ऑफ जो सिमेट्री होगा वो क्या करेगा, आपके पहले हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन को कंटेन करेगा, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो पहले हाइड्रोजन और तीसरे हाइड्रोजन को कंटेन करेगा। इसी तरीके से अगला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो पहला हाइड्रोजन और चौथे हाइड्रोजन को कंटेन करेगा। इसी तरीके से अगला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो दूसरे हाइड्रोजन और तीसरे हाइड्रोजन को कंटेन करेगा। कुल मिलाकर आपको कॉम्बिनेशन चेक करने कितने हो सकते हैं, अगला प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो तीसरे हाइड्रोजन और चौथे हाइड्रोजन के बीच में होगा, ठीक है, 5 हो गए। अब देखिए कौन सा बचा, 2 और 3 हो गए हैं, 2 3 नहीं हुआ है, 2 3 हो गया, 2 4 नहीं हुआ है, तो बस अगला प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो दूसरे हाइड्रोजन और चौथे हाइड्रोजन के बीच में होगा। तो भाई ये आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं जो किन-किन हाइड्रोजन को कंटेन करेंगे, उनका डिटेल वाइज स्ट्रक्चर ये है, और इसको कैसे निकालते हैं ये मैंने डायरेक्टली आपको यहां पर बता दिया। अभी इस वाले पार्ट को आप ध्यान रखना कि 4C2 की जगह अगर आपको कोई दूसरा डाटा मिले तो उसको भी आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप यहां से ध्यान रख लेना, क्योंकि ये हमें यूज होता ही रहेगा, हमारी केमिस्ट्री में ये चीज यूज होती रहती है। तो आज जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 5C2, तो 5C2 बेसिकली क्या होगा, 5C2 होगा 5 × 4 / 2 × 1,
जितना यहाँ से ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको माइनस करते करते वन तक ले जाना होता है आपको, मल्टीप्लाई करते करते, और यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसको उतना माइनस करते हैं जितना यहाँ, अगर दो लिखा है तो दो बार माइनस किया, पांच और चार दो स्टेप लिखे बस, समझ रहे हो बात। जैसे अगर मैं वहां से कहूँ आपसे कि 9C4 को कैसे सेलेक्ट करोगे, तो 9C4 का मतलब क्या हुआ कि 9 × 8 × 7 × 6, मतलब सिर्फ चार टर्म लिखेंगे, और नीचे क्या है, नीचे चार है तो 4 × 3 × 2 × 1, नीचे वाले को तो 1 तक ले ही जाना होता है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया था, इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका, जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, और ये बताएगा क्या कि 9 में से 4 आपको किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मली आता है आपके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, आपके पास क्या होता है डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखो माइक्रो स्टेट्स अगर आपको निकालनी हो, एक हल्का सा मैं आपको दूसरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये हल्की जो मैथमेटिक्स की रीजनिंग है ना, ये हमें आनी चाहिए, कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो हर चैप्टर में अगर कोई थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। जैसा क्या है कि अगर आपको क्या करना है, एक प्लस हाफ का इलेक्ट्रॉन फिल करना है डी ऑर्बिटल में, ठीक है, और ये सारे के सारे कैसे हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल का, तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल ऐसे भी फिल हो सकता है और इसी ऑर्बिटल में ये ऐसे भी फिल हो सकता है। इसका मतलब है ये जब अप स्पिन में रहेगा तो पांच तरीके हैं फिल होने के, और डाउन स्पिन में रहेगा तो पांच तरीके हैं फिल होने के, मतलब कि इस ऑर्बिटल को फिल होने के जो जितने तरीके हैं वो कितने हैं, 10 तरीके हैं। अब 10 में से क्या करना है, इसको 10 में से कोई एक ऑर्बिटल सेलेक्ट करना है, तो ये बताएगा कितने तरीके से ये ऑर्बिटल में जा सकता है। तो इसका मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है किसमें, आपके बेसिकली एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है डी ऑर्बिटल में, बेसिकली जो आपके टोटल एम्प्टी है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 10C1, तो 10C1 क्या हो जाएगा बेसिकली 10 × जाना ही नहीं आगे और डिवाइडेड बाई 1, तो इसका मतलब 10 तरीके हैं एक इलेक्ट्रॉन के इन ऑर्बिटल्स में भरने के। अब यही जो होती है इन्हीं से बनता है माइक्रोस्टेट्स, और जिनके हम लोग पढ़ते हैं टर्म सिंबल्स, ठीक है। तो ये एक हल्का सा मैथमेटिक्स का आइडिया आपको रास्ते में बता दिया, ताकि आपको ये सारी बातें क्लियर रहें। तो हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाले, 6 निकले हमारे CH4 मॉलिक्यूल में। अब चलिए बात करते हैं PCl5 मॉलिक्यूल की। तो आप देखिए PCl5 मॉलिक्यूल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री और कितने रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट होती है, ये आपको पता करनी है टोटल कितनी होती है। तो PCl5 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप पहले साथ अच्छे से बनाइए, ये आपका फास्फोरस हो गया, ठीक है, और ये आपके बोर्ड के प्लेन में एक क्लोरीन है, एक दूसरी बोर्ड के प्लेन में एक क्लोरीन है, ठीक है, और एक ये जो आपकी क्लोरीन है ये द प्लेन जा रही है, ठीक है, और ये एक जो क्लोरीन है आपकी कहां है, अबो द प्लेन आ रही है, और ये वाली एक क्लोरीन क्या है, आपके इसी बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है। तो आप बात समझ में आई आपको कि किस किस तरीके से ये प्रेजेंट है यहाँ पर। तो अब क्या चेक करना है आपको, अब इस मॉलिक्यूल का मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखूँ, ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखूँ, तो यहाँ ऊपर से देखने पर क्या होगा, ऊपर से देखने पर आपको दिखेगा एक ये कार्बन, ठीक है, और इसी पर एक ये क्लोरीन आपको ऊपर दिखेगी ये वाली, और इसी पर दूसरी क्लोरीन भी आपको पीछे की तरफ दिखेगी। तो ये वाली क्लोरीन और ये वाला फास्फोरस क्या दिखेगा आपको, एक ही पॉइंट पर दिखेंगे। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा आपको बेसिकली अब जब यहां से देख रहे होगे तो आपको एक क्लोरीन ऐसे दिखेगी, एक क्लोरीन ऐसे दिखेगी और एक क्लोरीन ऐसे दिखेगी। इसका मतलब क्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इसमें आप देखेंगे तो ये वाली जो एक्सिस होगी ना, ये वाली एक्सिस जो इस क्लोरीन को कंटेन करेगी, जो इस फास्फोरस को कंटेन करेगी और जो इस क्लोरीन को कंटेन करेगी, जो कि बेसिकली ये एक्सिस है जो आपकी तरफ आपको यहां से आती हुई दिख रही है, तो यहां पर इस एक्सिस के अलावा अगर आप मॉलिक्यूल को क्या करें, 120 डिग्री रोटेट कर दें। कितने डिग्री रोटेट कर दें, 120 डिग्री रोटेट कर दें। तो 120 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा, ये वाली जो क्लोरीन है वो रोटेट होकर कहां से आ जाएगी, इस क्लोरीन पर आ जाएगी, और ये वाली क्लोरीन रोटेट होकर इस क्लोरीन पर चली जाएगी, और ये वाली क्लोरीन रोटेट होकर इस पर चली जाएगी। यहां पर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, ये वाली एक्सिस जो यहां पर है इसको रोटेट करेंगे तो ये तीनों की तीनों क्लोरीन क्या होंगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये क्लोरीन, ये फास्फोरस और ये क्लोरीन क्या होंगी, चेंज नहीं होंगी, ये उसी पोजीशन पर रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस का काम कर सकती है, ये एक C3 एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, C3 एक्सिस है। अब इसके बाद एक और एक्सिस इसमें प्रेजेंट होगी, देखो। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट काम करना है वो सिर्फ आपको ये पता करना है कि इसमें क्या कोई दूसरी C2 प्रेजेंट है। तो अब जरा ध्यान से देखो, दूसरी C2 के लिए ध्यान से देखो, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो कि इस क्लोरीन को कंटेन करती है, इस क्लोरीन और फास्फोरस बॉन्ड को कंटेन करती है, फास्फोरस को कंटेन करती है, और ये अगर मैं इस मॉलिक्यूल से यहां से इसको क्या करूं, 180 डिग्री रोटेट कर दूं। 180 डिग्री मैंने इसको यहां पर रोटेट किया, और 180 डिग्री रोटेट करने से हुआ क्या, ये वाली क्लोरीन रोटेट होकर यहां पहुंच जाएगी,
ऐसे जब रोटेट करेंगे और ये वाली जो क्लोरीन है ये यहाँ पीछे से उठेगी, देखो ऐसे है ना दो क्लोरीन, तो जब ये पीछे से उठेगी तो ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पर, और ये वाली घूम के चली जाएगी यहाँ पर, और ये जो ऊपर वाली क्लोरीन है वो घूमकर कहाँ चली जाएगी, नीचे, और नीचे वाली जो क्लोरीन है वो घूमकर आ जाएगी ऊपर, और ये दोनों तो इस अपनी जगह पर ही घूम जाएंगे। मतलब क्या है कहने का कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही मिलेगा, क्योंकि ये आपस में क्या कर रही है, इंटरचेंज हो रही है अपनी जगह पर, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो एक्सिस है आपकी, ये वाली एक्सिस, ये क्या है, एक सी टू एक्सिस है, और ये जो सी टू एक्सिस है ये आपकी इस एक्सिस के कैसी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको C3 मिले और C3 के साथ एक भी परपेंडिकुलर C2 मिल जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या होंगी, वो तीन C2 होंगी। अब उसको आप यहां से क्लियरली समझ सकते हैं, एक C2 होगी ये वाली, एक C2 होगी ये वाली, और एक C2 होगी ये वाली। जो तीन PCl बॉन्ड्स हैं उनको वन बाई वन, ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, कौन से होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। तो इक्विटोरियल PCl बॉन्ड्स को एक Cl बॉन्ड को कंटेन करते हुए एक एक्सिस, ऐसे ही तीन Cl बॉन्ड्स को कंटेन करते हुए तीन एक्सिस जाएंगी। तो ये आपको अभी तक इतनी बात समझ में आ गई क्या कि बेसिकली C3 प्लस 3C2 तो होगा ही होगा। अब इसके अलावा कोई रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, PCl5 मॉलिक्यूल में, जरा ध्यान से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या पता यहां से अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करूं तो आप चेक करेंगे इसके अलावा इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। और इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी C3, हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस, और उसे ही हम लोग मॉलिक्यूल में क्या मानेंगे, Z एक्सिस मानकर रखते हैं। तो रोटेशनल एक्सिस तो आपको पता चल गई C3 और 3C2। अब जरा प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जरा ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल को, आपको क्या है बेसिकली यहां पर एक क्लोरीन ये पीछे की तरफ, एक ये क्लोरीन आगे की तरफ, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये। तो इस PCl5 में देखते हैं कि इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो जरा इसमें मैं वन बाय वन आपको चेक करके दिखा देता हूं। देखो एक प्लेन तो ये होगा, एक प्लेन तो ये होगा, एक प्लेन ये क्या करेगा, ये प्लेन क्या करेगा कि आपका बेसिकली इस क्लोरीन को कट करेगा, इस फास्फोरस को कट करेगा, इस क्लोरीन को कट करेगा, और जब ये प्लेन इसको कट करेगा तो बेसिकली होगा क्या कि ये वाली जो क्लोरीन है ये रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, इस जगह पर जाएगी, और यहां पर तो कोई क्लोरीन अवेलेबल है नहीं, इसका मतलब है ये वाला जो प्लेन होगा आपका भाई वो प्लेन एक किसी भी तरीके का सिग्मा प्लेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये वाला प्लेन तो आपका किसी भी तरीके का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या देखते हैं, हाँ आगे क्या देखते हैं कि अगर मैं क्या करूं, मैं अगर एक प्लेन को देखो इसकी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना के दिखा दे रहा हूं, ये वाला जो क्लोरीन बॉन्ड है ये पीछे की तरफ जा रहा है और ये वाला क्लोरीन बॉन्ड कहां है, आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक प्लेन ऐसा डालूं, एक प्लेन ऐसा डालूं बेसिकली, अगर इसको जो हमने ये स्ट्रक्चर बना रखा है ना, इस स्ट्रक्चर को देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरीन ही तो है ना, PCl5 मॉलिक्यूल ही तो है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला जो प्लेन है जिसको मैंने क्या माना है, आपको C2 एक्सिस दिखा रखी है, जिसको मैंने क्या कर रखा है, C2 एक्सिस दिखा रखी, यही एक सिग्मा प्लेन अगर मैं यहां से डाल दूं, एक ऐसा प्लेन डाल दूं जो प्लेन बेसिकली क्या करे, इस क्लोरीन को कट करे, इस फॉस्फोरस को कट करे, इस क्लोरीन को कट करे और इस क्लोरीन को कट करे। देखो ये क्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन, ये तीन चीजें कट हो रही हैं और ये वाली क्लोरीन कट हो रही है, तो उसके कट होने के बाद हो क्या रहा है, ये परफेक्ट 120 डिग्री पर होता है इस तरीके से, ऐसे ये जो एंगल है ना, इसका मैंने एंगल बिल्कुल 120 डिग्री नहीं बना रखा है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट 120 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल में ये एक प्लेन डालूंगा तो क्या होगा, ये चीज इस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक ये सिग्मा का काम कर सकता है, ये क्या है, एक सिग्मा प्लेन है। तो इसका मतलब ये है एक सिग्मा प्लेन है और ये सिग्मा प्लेन आपके प्रिंसिपल एक्सिस C3 को कंटेन करता है। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि C3 के साथ अगर एक भी परपेंडिकुलर C2 मिले तो आप तुरंत लिख सकते हो क्या, 3C2। और C3 के साथ अगर उस एक्सिस को कंटेन करती हुई अगर आपको एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, 3σ होंगे। अब वो तीनों सिग्मा या तो सिग्मा बी होंगे या तो सिग्मा डी होंगे, और इस टाइप के स्ट्रक्चर में एक टाइप का बी एफ थ्री टाइप का स्ट्रक्चर ही हो गया। तो बी एफ थ्री टाइप के स्ट्रक्चर में बेसिकली आपके पास यहाँ पर सिग्मा बी ही होंगे सारे के सारे, क्योंकि कोई बाइसेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आपके सिग्मा बी प्लेन्स होंगे। बोलिए भाई, तो ये जो तीनों प्लेन्स हैं वो क्या है, सिग्मा बी प्लेन्स है। तो अब इनमें वही चीज है, सीधी सी बात है, अगला प्लेन ये हो जाएगा, अगला प्लेन ये हो जाएगा, तो आपको तीन सिग्मा बी प्लेन्स मिल गए। अब इस स्ट्रक्चर में जरा ध्यान से देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को दोबारा इधर लाइए, ये वाला जो आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको छोटा करिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक अगर मैं यहाँ पर ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दूं, एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दूं जो इस क्लोरीन को कंटेन करता हो, इस क्लोरीन को कंटेन करता हो, इस क्लोरीन को कंटेन करता हो, और इस क्लोरीन को, सॉरी इस वाले फास्फोरस को,
क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ट्राइगोनल होते हैं ना ये तीनों के तीनों। तो इस प्लेन में जो आपका ये प्लेन प्रेजेंट होगा उससे क्या होगा, ये सारे के सारे ये फास्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन क्या होंगी, बेसिकली कट हो जाएंगे और ये वाली क्लोरीन क्या होगी यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये वाली क्लोरीन होकर रिफ्लेक्ट वहां चली जाएगी। इसका मतलब है ये वाला प्लेन जो होगा ये भी क्या होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा, ये भी क्या होगा आपका एक प्लेन होगा, इसे क्या कहेंगे सिग्मा कहेंगे। लेकिन ये वाला जो सिग्मा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक प्लेन में प्रेजेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और उसमें जो आपका ये है एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं और इसी एक्सियल बॉन्ड के अलोंग ही आपकी क्या है C3 अवेलेबल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है तो इसका मतलब ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, सिग्मा एच हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PCl5 मॉलिक्यूल में अभी मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, एक भी डाउट क्लियर ना हो ताकि जब हम आगे डायरेक्टली बातें करेंगे तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे इन सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो PCl5 मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या है, एक C3 है प्लस 3C2 है प्लस 3σV है और प्लस सिग्मा एच है। तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स या फिर सिमेट्री ऑपरेशंस आपके प्रेजेंट है CH4 मॉलिक्यूल में, किसमें PCl5 मॉलिक्यूल में। अब मैं कहूं कि टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस कितने हैं, ओनली टोटल रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशंस कितने हैं, तो यहां C3 से जो ऑपरेशंस आएंगे वो कितने आएंगे, दो आएंगे। C2 से कितने आएगा, एक आएगा, तो तीन से कितने हो गए, टोटल तीन हो गए। यहां पर एक सिग्मा भी से हमेशा एक मिलता है, सिग्मा और C2 से एक ही मिलता है क्योंकि ये C2 से N-1 मिलते हैं तो ये 2-1 हो जाएगा और सिग्मा से हमेशा एक ही सिमेट्री एलिमेंट ऑपरेशन मिलता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब हो गया यहां पर तीन मिलेंगे और इससे एक मिलेगा, इन सबको अगर आपस में ऐड कर दोगे तो बेसिकली 3-3-6 और 3-9 ऑपरेशंस होंगे, 9 सिमेट्री रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन ऑपरेशंस, टोटल 9 रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन ऑपरेशंस विल बी देयर इन PCl5 मॉलिक्यूल। तो अब हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सिमेट्री ऑपरेशन की ओर जिसका नाम है इम्प्रॉपर एक्सिस एंड इम्प्रॉपर रोटेशन। हेडिंग डाल लीजिए इम्प्रॉपर एक्सिस, हेडिंग डाल लीजिए इम्प्रॉपर एक्सिस एंड इम्प्रॉपर रोटेशन। तो अभी आपको समझ में आएगा कि इम्प्रॉपर एक्सिस और इम्प्रॉपर रोटेशन बेसिकली क्या है, अभी आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस और इसको क्यों बोलते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन। क्योंकि अभी पिछले वाले यहाँ, क्योंकि ये जो आपका सिमेट्री ऑपरेशन है और ये सिमेट्री एलिमेंट है, ये बेसिकली कैसा सिमेट्री एलिमेंट और ऑपरेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सबसे पहले लिख सकते हैं कि इट इज अ टू स्टेप सिमेट्री ऑपरेशन, इट इज अ टू स्टेप सिमेट्री ऑपरेशन। सबसे पहली बात इसके बारे में लिख लीजिए क्या कि इट इज अ टू स्टेप सिमेट्री लिख लीजिए फटाफट, सिमेट्री ऑपरेशन, दो स्टेप का सिमेट्री ऑपरेशन है ये भाई, ठीक है, टू स्टेप सिमेट्री ऑपरेशन है। अब टू स्टेप होती कौन है, जरा उसको ध्यान समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है आपकी इस मॉलिक्यूल में, फर्स्ट स्टेप रोटेट द मॉलिक्यूल थ्रू अ थीटा डिग्री एंगल, क्या करना होता है आपको, रोटेशन, सबसे पहला क्या होता है रोटेशन थ्रू थीटा डिग्री, थीटा डिग्री में मॉलिक्यूल को रोटेट करना होता है। तो रोटेट करने के लिए इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसको थीटा रोटेट किया तो ये कुछ ना कुछ CN की तरीके बिहेव कर सकता है, ठीक है, 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो हम कहेंगे पहले इसको C3 घुमाएंगे, समझ रहे हो बात। तो आपको क्या करना, सबसे स्टेप वन क्या है, रोटेशन थ्रू एनी एंगल, और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपकी, ये दोनों की दोनों स्टेप एक साथ करनी होती है, पहले फर्स्ट स्टेप फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पर आपको बेसिकली क्या करना होता है, रिफ्लेक्ट थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट CN, इस CN के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, कोई भी एक परपेंडिकुलर प्लेन, उसके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो। अगर आपने ये दोनों स्टेप एक साथ किसी मॉलिक्यूल पर अप्लाई करी
दोनों स्टेप एक साथ किसी मॉलिक्यूल पर अप्लाई करें और उसके बाद मॉलिक्यूल का जो जो इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो दोनों सेम हुए, अगर वो दोनों क्या हुए, सेम हुए, तो उस केस में आपका जो मॉलिक्यूल कहलाएगा वो कहलाएगा इनिशियल और फाइनल स्टेप जो होंगी बेसिकली, अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अगर इक्विवेलेंट आएंगे या फिर आइडेंटिकल आएंगे, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को, उस टाइप की इस ऑपरेशन को क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर रोटेशन ऑपरेशन बोला जाएगा। और जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट किया गया होगा, जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट किया होगा, ये वाली जो एक्सिस होगी, पहला रोटेशन जिस एक्सिस के अलोंग किया जाएगा, अलोंग एक्सिस, जो भी इस एक्सिस के अलोंग किया जाएगा, उस एक्सिस को क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर एक्सिस बोला जाएगा। और इस ऑपरेशन को क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर रोटेशन बोला जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस एन से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस एन से। और यहां पर ये एन क्या होगा, ये एन वही होगा जिस एंगल पर सबसे पहले रोटेशन कराया गया है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली 360 और डिवाइडेड बाय थीटा, वेयर थीटा इज द फर्स्ट स्टेप एंगल ऑफ रोटेशन, कि पहले स्टेप में किस एंगल पर आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं इसके लिए आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, जो सबसे पहला और सबसे आसान जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन SN होगी, वो सबसे आसान तरीका है BF3 मॉलिक्यूल चेक करते हैं। चेक करते हैं BF3 मॉलिक्यूल। तो मैं आपको BF3 मॉलिक्यूल दिखाता हूं। ये आपका बोरॉन एटम है, ये फ्लोरीन एटम है, ये दूसरा फ्लोरीन एटम है और ये आपका अगला फ्लोरीन एटम है, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए नंबरिंग। अब इसकी नंबरिंग कर देंगे तो आप यहां पर क्या कहेंगे, 1, 2 और 3। अब मैं क्या कह रहा हूं, पहले इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल पर C3Z अप्लाई कर दो। तो C3Z का मतलब आप समझ गए, C3Z कौन सी होगी, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में यही एक प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिसमें इसको C3 बोलेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस को ही Z बोलते हैं। तो C3Z लिख लीजिए या फिर C3 लिख लीजिए। तो C3 अप्लाई करने से बेसिकली क्या होगा कि यहां पर आपके पास ये बोरॉन एटम आएगा और देखो ये वाला 2 वहां चला जाएगा, तो ये बेसिकली फ्लोरीन एटम आएगा, ये फ्लोरीन एटम आएगा और ये फ्लोरीन एटम आएगा, और इनका जो नंबरिंग होगी, इनकी जो नंबरिंग होगी, ये क्या होगी, 2, 1, 3। तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, 2, 1, 3। तो सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले आपने रोटेशन किया थ्रू अ एंगल ऑफ थीटा डिग्री, तो उस थीटा से ही आपका ये CN निकल आया। तो CN मतलब क्या हो गया, आपका C3 हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में करना है रिफ्लेक्शन। अगले स्टेप में क्या करना है, रिफ्लेक्शन, जरा ध्यान से समझना, बहुत आसान है, कुछ किस्म का खतरनाक नहीं है। रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू द CN, तो परपेंडिकुलर टू द C3 यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द C3। तो अगर ये एक आपकी C3 थी, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा प्रेजेंट है, ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन बेसिकली क्या करेगा, इस फ्लोरीन को, इस फ्लोरीन को, इस फ्लोरीन को और इस बोरॉन एटम को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो बाइसेक्ट करने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, यहां पर ये बोरॉन एटम है, ठीक है। अब दिखाने को ऐसा कह सकते हैं कि देखो अलग अलग तरीके हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, कभी कभी ऐसा लिख सकते हैं कि कहते हैं कि अगर ये बोरॉन एटम ऐसे है, अगर मैंने इसको इसी प्लेन के अलोंग रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हम लोग कहते हैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे। जब इस बोरॉन को कट करेंगे, तो कट करने से कह सकते हैं कि इसका आगे वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होके पिछला के पीछे वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होके आगे आ गया। तो ये मतलब इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ऐसे लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसे लिखा मिलता है। तो चाहे आप ऐसे करिए, चाहे आप कह दीजिए कुछ नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके कट हो गए हैं और कट होने के बाद फिर से वैसे ही बन गए, तो इनकी जो पोजीशन है वो कट नहीं हुई है। तो इसका मतलब है आप चाहें तो ऐसे लिख लें, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कोई कुछ कहूंगा नहीं कि कैसे भी लिख लो आप। कुल मिला के जो बात है, वो बात क्या है कि आपका यहां पर क्या आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 3। तो आप जरा ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये जो रोटेशन आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है, ये वाला ऑपरेशन देखो, ये फ्लोरीन 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 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही तो है ना भाई। नंबरिंग तो आपने अभी कर रखी है, नंबरिंग तो होती नहीं है। आप अगर नंबरिंग ना करो, तो इस स्ट्रक्चर को देख के और इस स्ट्रक्चर को देख के क्या आप बता सकते हो, इस स्ट्रक्चर को देख के और इस स्ट्रक्चर को देख के क्या आप बता सकते हो कि इनके बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई किया गया है। तो इन दोनों ऑपरेशन को अगर एक साथ अप्लाई जब किया जा रहा है, तो इसके जो कॉम्बिनेशन का जो ऑपरेशन बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से जो ऑपरेशन बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से जो ऑपरेशन बनता है, वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा आपका, S3। तो S3 अगर मैंने कहा कि इस मॉलिक्यूल में S3 अप्लाई करना है, तो कुल मिला के इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां चेंज कर देना। समझ में आई बात,
तो ये तो था आपका एग्जाम्पल। अब सवाल खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है कि अब जब आप मॉलिक्यूल में जब रोड, ये सवाल ये खड़ा होता है, देखिए अगली स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात तो आप समझ गए होंगे कि क्या है प्रॉपर एक्सिस। अब ये बात है कि आपने ये बात समझ ली कि जो आपका SN है वो कॉम्बिनेशन है किसका, CN और प्लस परपेंडिकुलर सिग्मा, प्लस परपेंडिकुलर सिग्मा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका, यही क्या कहलाता है आपका, SN कहलाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी एज अ सिमेट्री ऑपरेशन उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या इसको आप नोट कर सकते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब कि ऐसा हमेशा, इट इज नॉट ऑलवेज, इट इज दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इन दोनों के लिए ही लिख सकते हो, क्या कि they are not necessarily present as a symmetry operation, लिख लीजिएगा इस बात को ध्यान से, symmetry operation in the molecule, मतलब क्या है कहने का कि अगर मॉलिक्यूल में जो आप मॉलिक्यूल आपने बना के रखा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी एज अ इंडिविजुअल सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट हो। BF3 मॉलिक्यूल में जब मैंने आपको दिखाया कि आपने S3 अप्लाई किया, तो S3 में जो आप C3 डाल रहे थे और जो आप सिग्मा डाल रहे थे, ये दोनों एज अ इंडिविजुअल सिमेट्री ऑपरेशन भी प्रेजेंट थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल प्रेजेंट ही हो, अगर इंडिविजुअल प्रेजेंट ना भी हो, उनके रिफ्लेक्शन से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ना भी बन रहा हो, तब भी ये जो S3 होगा ये एग्जिस्ट करेगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं CH4 मॉलिक्यूल में, क्या देखते हैं CH4 मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए आप, CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल का अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना दूं, जिसमें कि बेसिकली क्या है, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ये अगला हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, और ये बिलो द प्लेन आपका बेसिकली जा रहा है ये हाइड्रोजन, और ये जो बिलो द प्लेन दूसरा आपका हाइड्रोजन जा रहा है ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल में, और मैं क्या कहूंगा आपसे कि आप सबसे पहले क्या करिए, मॉलिक्यूल को आप क्या कर दीजिए, 90 डिग्री घुमा दीजिए, 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा दीजिए। तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो आप इसको रोटेशन वाइज C4 बोल सकते हैं, बोलिए भाई, रोटेशन वाइज इसको C4 बोल सकते हैं। तो उससे होगा क्या, इसके लिए रोटेशन से यहां पर ये आपका कार्बन आ जाएगा, और ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, और ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, क्योंकि जब इसको रोटेट करोगे तो ये अबव वाले प्लेन जो आगे की तरफ ऐसे आपको दिख रहे हैं, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन क्या होंगे, रोटेट हो गए, ऐसे आ जाएंगे। तो अब इधर और इधर क्या है, अबव द प्लेन है, जो कि पहले इधर बिलो द प्लेन थे, तो इसका मतलब यहां पर, और इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, तो ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है जो कि बिलो द प्लेन है, ये घूम के उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब जो पीछे वाले बिलो द प्लेन हाइड्रोजन थे वो ऐसे हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन क्या है आपके, बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन और ये वाला हाइड्रोजन क्या है आपका, बिलो द प्लेन है। तो आपने क्या किया, पहले फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया, और फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने के बाद अगला काम क्या होता है, ये आपने C4 कौन सी डाली है, ये वाली C4। इसके बाद अब क्या करना है आपको, अब इस मॉलिक्यूल में परपेंडिकुलर सिग्मा प्लेन डालना है। तो परपेंडिकुलर सिग्मा प्लेन कौन सा होगा, अगर ये एक्सिस आपने डाली तो परपेंडिकुलर सिग्मा प्लेन होगा ये बोर्ड वाला प्लेन। तो इस बोर्ड वाले प्लेन के अलोंग मॉलिक्यूल को क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो। और अगर आपने बोर्ड वाले मॉलिक्यूल के अलोंग रिफ्लेक्ट किया, जो कि बेसिकली सिर्फ इस कार्बन को कंटेन कर रहा होगा, वो सिग्मा प्लेन सिर्फ इस कार्बन को कंटेन कर रहा होगा, क्योंकि ये वाले दोनों जो हाइड्रोजन है, ये वाले दो आपके जो हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन, ध्यान से देखो, ये आपके दो हाइड्रोजन आगे की तरफ है और ये दो हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, दो हाइड्रोजन आपके आगे की तरफ और दो हाइड्रोजन पीछे की तरफ। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बीच से, तो बीच से रिफ्लेक्ट करने से क्या हो रहा है, सिर्फ ये आपका जो कार्बन है ना भाई, ये सिर्फ कार्बन ही कट हो रहा है, बाकी ये वाला हाइड्रोजन जो आगे की तरफ है वो रिफ्लेक्शन से आगे वाले के हाथ ले जाएंगे पीछे की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन ये जो आगे की तरफ उठे हुए कार्बन थे वो रिफ्लेक्ट होकर पीछे की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब हुआ आपका बिलो द प्लेन हाइड्रोजन आ जाएगा, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन आ जाएगा, और इस बोर्ड के पीछे जो तरफ दोनों हाइड्रोजन थे, जब इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्ट होके आगे आ गए। इसका मतलब हो गया दो हाइड्रोजन क्या है आपके, ये आगे की तरफ आ गए। बोलिए भाई, ये आपका बेसिकली ये पहला है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आप किसी को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आप जरा आप इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को और इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, क्या है? दोनों आपको इक्विवेलेंट नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको? इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों आपको इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, सीएन और सिग्मा के कॉम्बिनेशन से जो ये सिमेट्री ऑपरेशन बना, ये सिमेट्री ऑपरेशन कौन सा हुआ? सी फोर था, तो एंगल ऑफ रोटेशन फर्स्ट स्टेप में 90 डिग्री था, तो ये कहलाएगा आपका क्या? एस फोर सिमेट्री ऑपरेशन, एस फोर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशनल ऑपरेशन, आपका ये एस फोर बनेगा। बोलो, ये बात आपको समझ में आई? अब देखो, ये जो मैं इससे पहले वाली बात बता रहा था, अगर आप पहले और सेकंड स्टेप के स्ट्रक्चर को देखें, ये आपका पहला स्टेप, पहला स्ट्रक्चर है, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है और ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पहला और दूसरा ये दोनों स्ट्रक्चर क्या किसी तरीके से एक दूसरे के इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल दिख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर? भाई इसमें हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऐसे अवेलेबल है, देखो यहाँ लेकर जाओ, यहाँ पर इस जगह पर कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ना तो इक्विवेलेंट है ना ही एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब हुआ ये C4 यहाँ पर एज द ऑपरेशन प्रेजेंट नहीं है इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में ना तो C4 प्रेजेंट है, मतलब दूसरा कोई C4 हो सकता है, लेकिन जिस C4 को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे तो ये एक सिमेट्री ऑपरेशन यहाँ पर नहीं है। जबकि इस वाले सिग्मा प्लेन को देखें तो आपका जो स्ट्रक्चर सेकेंड और जो स्ट्रक्चर थर्ड है, इन दोनों को जरा देखो, तो इसमें क्या है, इसमें ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, जरा यहां आकर देखो तो यहां पर ऊपर तो कुछ है ही नहीं क्योंकि यहां पर दोनों हाइड्रोजन पीछे चले गए हैं। इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला सिग्मा भी एज अ इंडिपेंडेंट सिमेट्री ऑपरेशन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो C4 इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है ना ही आपका सिग्मा इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, जो कि जिस, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन करके, अगर इन दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से अप्लाई किया जाए कि पहले इस ऑपरेशन को अप्लाई करो और फिर इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन को सिग्मा को अप्लाई कर दो, तो इनके कॉम्बिनेशन को अगर बना दिया जाए तो वो कॉम्बिनेशन एक सिमेट्री ऑपरेशन बन जाएगा और उस कॉम्बिनेशन के सिमेट्री ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला आता है। आई बात आप समझ को, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो यही बात मैंने अभी आपको नोट करके लिखाई थी, क्या कि यहां पर यही बात आपके सामने लिखी हुई है कि ये सीएन और ये सिग्मा ये जरूरी नहीं है, दे आर नॉट नेसेसरी टू बी प्रेजेंट एज अ सिमेट्री ऑपरेशन इन द मॉलिक्यूल, इनका प्रेजेंट होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अब हमारे सामने अगला सवाल आता है कि सर ये बता दीजिए मुझे कि कब ऐसा इंडिपेंडेंट सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे, कब ऐसा सिमेट्री इंडिपेंडेंट ऑपरेशन प्रेजेंट नहीं होंगे। देखो सॉरी, जो आपका ये CH4 मॉलिक्यूल होता है, ये आपका जो सॉरी जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, जब भी हम इस इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को जब भी हम अप्लाई करते हैं तो आपको इसको ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके मैं जनरल पॉइंट्स डायरेक्टली बता दूंगा, लेकिन ये कुछ स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको और डिटेल वाइज समझते हैं कि कब ये इंडिविजुअल सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट होंगे जिनके कॉम्बिनेशन से मिलकर आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, और कब ये होंगे और कब ये नहीं होंगे। तो इसके लिए हम समझते हैं यहाँ पर जो ये आपका प्रेजेंट है SN, जो आपका SN है, अगर ये N जो है अगर ये इवन हो, तो इसको अगर इवन और ऑड के केस में अलग अलग पढ़ा जाए तो हमें कुछ जनरल पॉइंट समझ में आना शुरू होंगे। सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि जब एस इवन प्रेजेंट था, S even प्रेजेंट था, तो S even प्रेजेंट होने पर अभी आपने देखा ना S4 example, example में S4, example में S4, तो S even, SN में अगर N अगर आपका even number है, तो इस even वाले केस में, इस even वाले केस में ये क्लियर हो गई बात, बात क्या क्लियर हो गई कि आपके इंडिविजुअल CN एंड परपेंडिकुलर सिग्मा प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है, कहीं हो भी सकते हैं कहीं नहीं भी होते हैं, नॉट प्रेजेंट नेसेसरीली, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट नेसेसरीली,
मतलब समझ लेना necessarily वाली word को line कर लेना underline, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, आप कह नहीं सकते हो, आपको statement wise problem अगर कहीं पर ये लिख के दे देगी तो कहेगा कि अगर S6 है तो S6 में आपका C6 present ही होगा, ऐसा कहना गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा, हो सकता है हो और हो सकता ना हो। तो लेकिन अगली बात ये हमारे सामने आती है कि SN में अगर ये नंबर इवन है तो कौन सी ऐसी चीज है, कोई ऐसा ऑपरेशन क्या अवेलेबल है जो जरूरी होगा कि प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल, एक केस समझते हैं हम लोग, बेंजीन का केस समझते हैं। बेंजीन आपके सामने मैंने ये आपके सामने बना दी बेंजीन। अब बेंजीन में आपको पता है, बेंजीन में क्या पता है आपको कि आपके पास बेसिकली इस तरीके से एक्सिस आ रही है, इस तरीके से एक एक्सिस आ रही है आपके सामने की तरफ, वो क्या है, C6 एक्सिस है। और वो क्या है, C6 एक्सिस। तो अगर मैं इस पे क्या करूं, पहले C6 अप्लाई कर दूं तो बेसिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का ही बन के आएगा, सेम स्ट्रक्चर बन के आएगा। नंबरिंग अगर आप कर दोगे तो नंबरिंग और कर सकते हो, बहुत ज्यादा कर दो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये तो आपने पहले C6 अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जिस C6 को अप्लाई किया है उसके परपेंडिकुलर क्या डालिए आप, सिग्मा डाल दीजिए। तो उसके परपेंडिकुलर सिग्मा डाला तो क्या हो गया, बेसिकली कुल में कुछ नहीं हुआ, उस मॉलिक्यूलर प्लेन में ही सारे के सारे एटम्स कट गए। तो इसका मतलब बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बन के रह गया, और सेम स्ट्रक्चर जो बन के आया उसमें क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो, पहले आपने एक परपेंडिकुलर सी एक्सिस डाला और उसके परपेंडिकुलर सिग्मा डाला, और इसके बाद आपने पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया, तो इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया तो दोनों आइडेंटिकल थे। इसका मतलब आ गया कि इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में S6 प्रेजेंट है। देखो S6 में, अब इस S6 में C6 इंडिपेंडेंटली भी प्रेजेंट है और सिग्मा भी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है। तो इसलिए हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है प्रेजेंट ना हो, नॉट नेसेसरली प्रेजेंट, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो, ठीक है ये बात। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो जरूरी होगी कि प्रेजेंट ही होगी, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्या अगली हेडिंग डाल लीजिए, सिमेट्री ऑपरेशंस जनरेटेड बाय इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। हेडिंग डाल लीजिए, सिमेट्री ऑपरेशंस जनरेटेड बाय इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हेडिंग डाल लीजिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं सिमेट्री ऑपरेशंस जेनरेटेड बाई इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसके लिए आपको पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर आपको बात समझ में आएगी क्या चीज प्रेजेंट होती है एस जब आपका इवन। तो आप देखते हैं एस इवन, जरा देखते हैं, तो एस सिक्स का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। S6 में मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक बार अप्लाई किया S61, तो S61 को आप क्या लिख सकते हो, S61 को लिख सकते हो C61 into sigma 1, आ रही बात समझ में। तो इन दोनों को मिलाकर कुछ नया नहीं लिखा जा सकता है, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ S6 ही लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि पहला ऑपरेशन जो हुआ वो S61 ही कहलाएगा। अगर मैं क्या करूं S62 अप्लाई कर दूं, तो S62 अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, कि आपने C6 दो बार अप्लाई किया और आपने दो बार सिग्मा को अप्लाई किया। आ रहा है इस बात में समझ में, देखो सबसे पहले क्या कर रहे हो, सबसे पहले मॉलिक्यूल को क्या करोगे, C6 60 डिग्री घुमाओगे, सबसे पहले C6 अप्लाई करोगे, फिर सिग्मा प्लेन डालोगे, फिर दोबारा C6 डालोगे, फिर सिग्मा प्लेन डालोगे, क्योंकि अब एक्सिस तो एक ही है ना, तो एक ही एक्सिस के अलावा रोटेशन और रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। जब दो बार रिफ्लेक्शन कर दोगे तो उसका कुछ मतलब तो बचा नहीं, भाई एक बार आपने इसी स्ट्रक्चर को देखिए, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर को आपने एक बार C6 अप्लाई किया, ये मतलब, फिर इसके बाद इसमें सिग्मा प्लेन डाला तो क्या हुआ, एटम्स रिफ्लेक्ट हो गए। अब जब आप क्या, मैं क्या कहूंगा, इसमें एक बार फिर से सिग्मा प्लेन डाल दीजिए, फिर से C6 डाल दीजिए, तो फिर से C6 डालने से देखो क्या होगा आपका, बेसिकली यहां पर बेसिकली क्या आएगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और मैं कहूं कि अब इसमें फिर से एक सिग्मा प्लेन डाल दीजिए, फिर से एक सिग्मा प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट C6, तो कुछ नहीं होगा उससे, मतलब होगा जो आपका स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मैं आपसे क्या कहूं भाई, अगर आप ध्यान से देखना जरा, इस बात को क्लियर हो जानी चाहिए आपकी कि इसमें इसको डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो,
ये जो आपका पहला वाला स्टेप था, ये वाला स्टेप, इतना स्टेप, ये स्टेप था क्या, ये स्टेप था आपका S6। इसके बाद आपने यहां पर यहां से यहां तक जो स्टेप अप्लाई किया, ये एक फिर से दूसरा S6 अप्लाई कर दिया जो कि उसके आगे ही अप्लाई किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल से यहां से ये वाला जो ऑपरेशन आ रहा है, ये वाला ऑपरेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं S6-2। क्या लिख सकते हैं, S6-2। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप C6 दो बार अप्लाई करो तो उसको C6-2 लिख देते हो। अब जरा ध्यान देखो, इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर तक ले जाने पर जब दो बार सिग्मा प्लेन डाल दिया, एक बार पहले मॉलिक्यूल को ऐसे कट किया और फिर से मॉलिक्यूल को ऐसे कट किया, तो दो बार सिग्मा प्लेन डालने का मतलब क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। अगर दो बार सिग्मा, अगर सिग्मा इवन होता है तो वो हमेशा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। मैं आपको बता चुका हूं, अगर दो बार सिग्मा मॉलिक्यूल में डाला जाए एक ही प्लेन में, अगर एक प्लेन ऐसा डाल रखा दूसरा प्लेन ऐसा डाल रखा तो नहीं, लेकिन अगर एक ही प्लेन में दो बार सिग्मा डाल दोगे तो वो ई बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो ये आपको सिग्मा 2 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, किसी पे भी मल्टीप्लाई करो किसी, ये क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, कम्यूट करता है, सबसे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेट होता है। ये बात लिखी थी ना बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ग्रुप बताया था मैंने, कुल मिला के इसमें कुछ जब कर ही नहीं रहे हो तो इससे किसी दूसरे सिमेट्री ऑपरेशन से मल्टीप्लाई किया, मतलब उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो यहां पर मतलब समझ में आया कि S6-2 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ C6-2 लिख सकते हैं। और C6-2 को क्या लिख सकते हैं, C6-2 को हम लोग C3 लिख सकते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था या फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S6-2 कैन बी रिटन एज C3। तो ये बात समझ में आई, S6-2 कैन बी रिटन एज C3। तो इसके लिए जरा ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखिए, आप इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये वाला जो आपके सामने पार्ट बनकर आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इस वाले स्ट्रक्चर पर अगर मैं डायरेक्टली C3 अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली C3 अप्लाई कर दूंगा इस वाले स्ट्रक्चर में तो आपका ये जो 1 वाला हाइड्रोजन है वो चला जाना चाहिए 3 में। तो चेक करते हैं, यहां से यहां जाने पर आपका 1 वाला हाइड्रोजन क्या 3 पर चला गया, बिल्कुल चला गया। आपका 3 वाला जो हाइड्रोजन है वो कहां चला जाना चाहिए, 5 पर चला जाना चाहिए। देखिए क्या 5 पर आ गया, 3 वाला हाइड्रोजन 5 पर बिल्कुल आ गया। और जो आपका 5 वाला हाइड्रोजन है वो घूमकर कहां चला जाना चाहिए, 1 पर चला जाना चाहिए, देखिए बिल्कुल आ गया इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले स्ट्रक्चर को डायरेक्टली C3 अप्लाई करेंगे तब भी यही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये बेसिकली S6-2 है, आपका जो S6-2 है इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, C3 लिख सकते हैं। और उसको यहाँ कैसे लिखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया क्या, कि S6-2 को आप C6-2 into σ2 लिख सकते हो, σ2 आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे C6-2 से तो C6-2 भी रहेगा, और C6-2 को आप डायरेक्टली C3 भी लिख सकते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हो गया S6-2 को C3 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया, चलिए ये तो बात हो गई क्या, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर से आप कैसे पता करोगे। लेकिन अगर हम लोगों को क्या करना हो, नॉर्मली पता करना हो, और देखते हैं बाकी सारे ऑपरेशंस भी देखने हैं हमें कि टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस कितने और कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन जनरेट होंगे आपके इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि S6-1 को आपने क्या लिखा, S6-1 ही लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि C6 और सिग्मा को एज अ मल्टीप्लाई करके कोई नया ऑपरेशन नहीं बनता है, वो जो नया ऑपरेशन बनता है वो S6 ही होता है। तो इसको S6 ही लिखेंगे। S6-2 को आपने लिख लिया क्या कि C6-2 into σ2, और इस σ2 को आपने आइडेंटिटी बोल दिया, तो यहां पर C6-2 into E ये हो गया आपका C6-2, और इसको आपने क्या लिख दिया, C3 लिख दिया। तो जो पहला सिमेट्री ऑपरेशन मिला S6 से वो S6 मिला, S6-1 मिला, दूसरा सिमेट्री ऑपरेशन मिला वो C3 मिला, और जो तीसरा सिमेट्री ऑपरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, S6-3। और S6-3 को आप क्या लिख सकते हो, S6-3 को लिख सकते हो आप C6-3 into σ3। और अगर सिग्मा में आपका ये सिग्मा ऑड हो, अगर ये सिग्मा ऑड हो तो सिग्मा ऑड को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां पर इसको लिख दीजिए C6-3 into σ, और C6-3 ये जो है आपका C6-3 को आप क्या लिख सकते हो, C6-3 को बताओ क्या लिख सकते हो, C6-3 को आप लिख सकते हो बेसिकली, क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री का मतलब हो गया आपका C2, और C2 into σ, तो C2 into σ क्या कहलाएगा आपका, S2 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, S2 कहलाएगा।
भाई बात आ रही समझ में, क्योंकि देखो S6 3, अब जरा इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से समझते हैं। अब S2 को I लिखा जा सकता है, जो आपका S2 होता है ना, एक स्पेशल पॉइंट है। S2 जो होता है वो इन्वर्जन होता है। S2 का काम क्या होता है? इन्वर्जन होता है। जो अगला सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ने हैं दो, वो तो कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अगले जो दो हमारे सिमेट्री ऑपरेशन है वो आइडेंटिटी और इन्वर्जन। तो इन्वर्जन मतलब कुछ नहीं, आइडेंटिटी मतलब सारे पॉइंट्स को आपस में क्या करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री से रिफ्लेक्ट कर दो। एक जो पॉइंट हो उससे डायरेक्टली आप सेंटर ऑफ सिमेट्री पर परपेंडिकुलर डालो, और परपेंडिकुलर डालने के बाद जो परपेंडिकुलर बना उसको अलोंग आगे बढ़ाते ले जाओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री से उस पार ले जाओ बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, और वहां पर ले जाकर अपने पॉइंट को रख दो, तो वो होता है इन्वर्जन। ठीक है, तो ये S2 जो होता है इसको आप इन्वर्जन लिख सकते हैं। अब इस बात को भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं जब इतनी बातें अच्छे से कर रहे हैं। S6 3 जो होगा वो S2 उसको लिख सकते हैं या तो इन्वर्जन लिख सकते हैं। इस बात को क्लियरली हम लोग देखते हैं अपने बेंजीन स्ट्रक्चर से। किसे देखते हैं? बेंजीन स्ट्रक्चर से। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, आपके पास बेसिकली ये आपके पास आया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने यहां से ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करी है। अब इसके बाद बेसिकली क्या करना है, इस पर आपको डालना है C6। तो C6 डालने से बेसिकली क्या हुआ, आपके पास बेसिकली 1 2 3 4 5 6। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर जब आपने इसमें सिग्मा डाला तो सिग्मा डालने से कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन ही है। ठीक है, बाकी आप इसके कार्बन को वैसे जैसे मैंने बताया था ना, ऐसे कट करके ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी उससे कुछ खास फर्क नहीं है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें एक बार फिर से सिग्मा डाल दीजिए, और सॉरी C6 डाल दीजिए, एक बार फिर से C6 डाल दीजिए। अच्छा, अब देखो दो बार क्यों अप्लाई कर रहे हैं? दो बार तो हम लोग पहले ही अप्लाई कर चुके हैं ना, तो दो बार दोबारा क्यों अप्लाई कर रहे हैं? दोबारा अप्लाई क्यों कर रहे हैं? जरा ध्यान से देखो, मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, यहां पर इस तरीके से मैंने आपको लिख दिया है आपके पास 1 2 सॉरी यहां से नहीं, एक मिनट ध्यान से देख लो, ये बात आपके वेरीफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर डाउट रह जाता है कई लोगों को, तो 1 2 3 4 5 और 6 जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्या कहूं, इसमें मैं डायरेक्टली S6 2 अप्लाई कर दूं, या फिर जिसको आप क्या कहते हो C3 कहते हो, तो C3 अप्लाई करना है, तो C3 अप्लाई कर दो। तो C3 अप्लाई करने से बेसिकली क्या होगा, ये 1 कहां चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये 1 यहां पर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया C6 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें फिर से एक बार क्या करो आप, C6 डालो। तो C6 डालने से क्या होगा, C6 डालने से बेसिकली ये नंबरिंग और घूम जाएगी एक बार, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। बोलो भाई, ये स्ट्रक्चर बनकर आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मैं क्या कह रहा हूं, अब इसमें एक बार फिर से आप सिग्मा डाल दो, परपेंडिकुलर सिग्मा, ये C6 इसके अलावा डाली जा रही, तो परपेंडिकुलर सिग्मा डालने से कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, और आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, अब जरा कंपेयर करिए। कंपेयर जब आप करेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। क्या अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखें और इस स्ट्रक्चर से आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, पहले आप S6 2 डाल चुके थे और उसके बाद आपने एक S6 और डाल दिया, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई क्या कि ये है S6 3 है, ये क्या है S6 3 है। लेकिन अगर मैं कहूं आप इस मॉलिक्यूल पर S2 डालो, S2 डालने का मतलब क्या होगा, S2 डालने का मतलब होगा कि आप C2 डालें और उसके बाद परपेंडिकुलर सिग्मा डाल दें। तो S2 डालने से क्या होगा, ये 1 वाला हाइड्रोजन जो होगा आपका, बेसिकली 1 वाला हाइड्रोजन ये कहां पर आएगा, 180 डिग्री घूमकर कहां पर आ जाएगा, 4 वाले नंबर पर। देखो क्या आपका यहां पर ये 4 वाले नंबर पर आ गया है, आपका 1 आ गया है, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सही बात बोली हम लोगों ने। अगली बात क्या है, 4th वाला वहां पर चला जाएगा, इसी तरीके से सारी चीजें। ये आपका जो 6th नंबर है ये 3 वाले पर आ जाना चाहिए, देखो यहां पर आ गया है और 3 कहां चला गया, 6th पर चला गया। तो आपने C2 पहला स्टेप तो ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, तो जो भी आपका आएगा उसको परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होगा, तो सारी चीजें वहीं पर रह जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ भाई यहां पर कि यहां से ये जो ऑपरेशन बन रहा है, ये ऑपरेशन यहां से यहां जो जा रहा है, ये क्या है, ये S2 ही है।
तो यही बात हमने क्या लिखी कि इसको हम लोग H2 लिख सकते हैं, C6 को क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैंने आपको सिखाई क्या कि H6 को इन्वर्जन भी लिखा जा सकता है। आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर पर इन्वर्जन डालूंगा तो इन्वर्जन करने का मतलब क्या हुआ, इन्वर्जन करने का मतलब कोई नया ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल आसान है। इन्वर्जन करने का मतलब हुआ कि सारे एटम्स को जो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है उससे क्या करो, उससे जितनी भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पर ले जाओ और यहां पर रख दो। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल आपके पास ऐसे प्रेजेंट है तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन से यहां वाले जितने भी एटम है उनको सेंटर ऑफ सिमेट्री से ले जाकर इस साइड ले जाओ। अगर इस साइड है तो जितनी डिस्टेंस यहां पर इसकी है बिल्कुल उतनी डिस्टेंस पर यहां पर ले जाओ, यहां वाले को यहां ले आओ। बस ये होता है इन्वर्जन अप्लाई करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पर इन्वर्जन अप्लाई करोगे तो ये कहाँ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, 1 जाना चाहिए 4 पर, 3 जाना चाहिए 6 पर, 6 जाना चाहिए 3 पर, 2 जाना चाहिए 6 पर, 6 जाना चाहिए 2 पर। देखो बिल्कुल वही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे H2 भी बोल सकते हैं और H2 हमेशा इन्वर्जन के इक्वल होता है, इन्वर्जन के इक्वल ही होता है। H2 हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका सिमेट्री ऑपरेशंस जो आपका S6 जनरेट कर रहा है उसमें आपका जो S6 2 बनकर आ रहा है बेसिकली, एक मिनट, उसमें जो आपका ये बेसिकली S6 3 बनकर आया, S6 2 तो आपका C3 हो गया, लेकिन जो आपका S6 2 बनकर आएगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन सेंटर हो जाएगा। बोलिए भाई ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं, अगर इस पॉइंट को आप समझ गए हो तो इसका मतलब है आपके दिमाग के तार खुल चुके हैं, अब आप सारे के सारे सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट, सारी जो भी चीजें चेंजमेंट हो रही है सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है इस स्ट्रक्चर में, बस मैंने थोड़ा डिटेल वाइज हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो अब आप आई थिंक होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और जो हमारा सवाल था उस सवाल को याद रखेंगे। अब इस पार्ट को मैं सब हटा देता हूं यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया आपको। ठीक है, ये अपनी कॉपी में आप बनाते रहिएगा क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि अगर हम यहां पर डिजिटल बोर्ड पर बने हुए इन नोट्स को आपको लिखकर इस फोटोज दे दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर खुद अपने नोट्स बनाएंगे तो पहली बात जब आप जिस टाइम लिख रहे होंगे उस टाइम वो बात दिमाग पर जा रही होगी, जब वीडियोस देख रहे हैं तब भी बात दिमाग पर जा रही है, तो सेल्फ नोट्स बनेंगे तो वो नोट्स ही हमेशा ऐसे होंगे जो आपको एक मिनट में या हो सकता है एक लेक्चर को 5 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर लोगे जब बाद में आप अपने नोट्स से रिवाइज करोगे। हम फोटो देंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सेल्फ नोट्स ही हमेशा बनाने चाहिए जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बनाते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो S6 3 था वो क्या बनकर आया, वो बनकर आया इन्वर्जन सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सिमेट्री ऑपरेशन S6 4, जो S6 4 है। तो S6 4 जो है बेसिकली आपका क्या है, S6 4 जो है आपका बेसिकली उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो C6 4 into sigma 4 में सिग्मा 4 क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया C6 4 into आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गया C6 4 देखो क्या है, C6 4 है आपका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है इसमें, 60 into 4 कितना है एंगल ऑफ रोटेशन, कितना है 60 into 4। तो इसका मतलब है एंगल ऑफ रोटेशन कितना है आपका 240। तो 240 बेसिकली 240 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 120 into 2, बता चुका हूं ना पहले ही। तो C6 4 को आप C3 2 भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया C3 2 into E, और E को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी ऑपरेशन को मल्टीप्लाई करने से। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास C3 2 बनकर आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो S6 4 को, क्या लिख सकते हो S6 4 को आप C3 2 लिख सकते हो। बोलिए भाई कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमें देखना है S6 5। तो S6 5 को आप क्या लिख सकते हो C6 5 को क्या लिख सकते हो C6 5 into sigma 5, और C6 5 को आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 300, C6 5 कितना है 300, 300 किसी का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, किसी दूसरे सिमेट्री ऑपरेशन से ओवरलैपिंग नहीं होगी, इस एक्सिस की किसी दूसरे सिमेट्री ऑपरेशन से ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये C6 5 ही रहेगा।
और C6H5 के बाद आप सिग्मा 5 लिखेंगे तो सिग्मा 5 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि C6H5 इंटू सिग्मा, और C6H5 इंटू सिग्मा को अगर आपस में लिखा जाए, आपने पहले C6H5 अप्लाई किया उसके बाद सिग्मा अप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उसे S6H5 ही आपको लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ये S65 ही कहलाएगा, यहाँ पर कोई नई चीज नहीं आएगी, ये S65 ही कहलाएगा जैसे S61 था। ठीक है, तो 1 वाला चेंज नहीं हुआ, 5 वाला चेंज नहीं हुआ, 3, 2, 4 ये सब क्या हो गए, चेंज हो गए। अब अगला क्या है आपका, लास्ट वाला S66। तो ये क्या हो गया आपका, बेसिकली S66 क्या हो गया, S66 हो गया, S66 को आप लिख सकते हो C66 into sigma 6। तो ये क्या हो गया, CNN identity और sigma even identity, तो ये क्या हो गया आपका, identity हो गया। तो अभी तक मैंने आपको एक तरीका बताया था, वो तरीका क्या था, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको किसी सिमेट्री ऑपरेशन से, किसी सिमेट्री एलिमेंट से, किसी भी सिमेट्री एलिमेंट से, किसी भी सिमेट्री एलिमेंट से बनने वाले कभी भी आपको सिमेट्री ऑपरेशंस पता करने हो, तो उस सिमेट्री एलिमेंट के अलोंग अपने ऑपरेशन को तब तक अप्लाई करते रहो, तब तक अप्लाई करते रहो जब तक आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ना बन जाए। तो वो होता है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना बना कर घुमाना। लेकिन अगर मैं उसी बात को मैथमेटिकली कहूं, जो फिर हम जो कि हम यहां पर अभी कर रहे हैं, तो ये वही बात हो गई कि उस ऑपरेशन को तब तक आगे बढ़ाते रहना जब तक आपको आइडेंटिटी ऑपरेशन यहां पर फाइनल ना मिल जाए। यहां पर आइडेंटिटी मिलना और स्ट्रक्चर को घुमाने रहने के बाद आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलना, दोनों सेम बातें, दोनों क्या है, सेम बातें। तो मतलब इसके आगे अब कोई नया सिमेट्री ऑपरेशन नहीं मिलेगा। जैसे ही आप S67 लिखेंगे, तो S67 लिखने से क्या होगा, बेसिकली S67 को आप लिख सकते हो S66 into S61, और S66 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, और अगर ये आइडेंटिटी हो गया तो ये क्या आ जाएगा, S61 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिर से वही पुरानी बात हो गई आपके सामने, क्या कि SN और N+1 को डायरेक्टली आप SN लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से SN N+2 को आप डायरेक्टली S2 या फिर I लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको? ये सॉरी SN2, यहां पर S2 नहीं होगा, सॉरी यहां पर होगा SN2, क्या होगा, SN2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे SN था ना, तो SN1 हो गया, ऐसे ही SN+2 है तो SN2 हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल जनरल सी बात हो गई आप सभी के लिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो बात कर रहे थे, जो जिस बात के लिए हम लोग हमने ये कहानी शुरू करी थी, जरा उसको देख लेते हैं, और उसको देखने के बाद, हाँ उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला जो सिमेट्री ऑपरेशन मिला वो ये मिला। ठीक है, और इसका कलर चेंज करते हैं हल्का सा। पहला जो आपको सिमेट्री ऑपरेशन मिला वो ये मिला, क्या मिला, S61। दूसरा जो सिमेट्री ऑपरेशन मिला वो मिला C3। तीसरा जो सिमेट्री ऑपरेशन मिला वो मिला इन्वर्जन। चौथा जो सिमेट्री ऑपरेशन मिला वो क्या मिला, C32। और पांचवा जो सिमेट्री ऑपरेशन मिला वो S65। और जो छठा ऑपरेशन मिला वो क्या मिला, E मिला। आप जरा इनको एक साथ लिख लीजिए, तो एक जनरलाइजेशन पॉइंट निकलेगा, बस उसी के लिए हम ये सारी की सारी बातें कर रहे थे। तो जरा एक बार इसको फटाफट छोटा करके लिख लेते हैं, काफी देर से हम लोग इसी बात पर अटके हुए हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बात क्या है कि जो टोटल सिमेट्री ऑपरेशन S6 के हैं, S6 के जो टोटल सिमेट्री ऑपरेशन है वो है S6, और दूसरा क्या है, दूसरा है C3, और क्या है, C3 के बाद बेसिकली क्या है, इन्वर्जन, उसके बाद क्या है, C32, उसके बाद क्या है, S65, और उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी। तो आप जरा इस ध्यान से एक बात समझो कि आपके पास SN में जब ये नंबर, ये जो C नंबर है, जब ये नंबर क्या है, इवन है, जब ये नंबर इवन है, तो उस केस में देखो, इस इवन नंबर को अगर आप क्या कर दो, 1/2 कर दो, इस इवन नंबर को हाफ कर दो, तो यहां पर S6 के हाफ करने से क्या होगा, आपका बेसिकली 3 मिल रहा है। तो 3 वाला, हमेशा जो 3 वाला है ना, अब देखो इस 3 वाले नंबर पर आपको C3 भी मिल रहा है, C32 भी मिल रहा है, और आइडेंटिटी भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑपरेशन में, इस जब ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होगा, जब भी किसी सिस्टम में ये ऑपरेशन अवेलेबल होगा S6,
तो वहां पर C3 ऑपरेशन भी होगा ही होगा, उस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस होगी ही होगी। C3 एक्सिस होगी ये बात तब कंफर्म होती है जब मॉलिक्यूल में C3 भी अवेलेबल हो, मॉलिक्यूल में C3-2 भी अवेलेबल हो और आइडेंटिटी तो अवेलेबल होता ही है। और अलोंग द सेम एक्सिस, अलोंग द सेम एक्सिस अगर आपकी S6 अवेलेबल है तो S6 अवेलेबल होने पर C3 भी अवेलेबल होगी ही होगी। तो ये बात समझ में आई आपको कि अभी तक हमने एक बात इससे पहले क्या सीखी थी जो कि मैंने आपको बताई, क्या कि जब आपका SN नंबर इवन होगा तो इवन में CN का प्रेजेंट होना और परपेंडिकुलर CN प्रेजेंट होना ये कभी भी नेसेसरी पॉइंट नहीं है। लेकिन 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 SN में SN के साथ CN/2 होना नेसेसरी है ही है, समझ रहे हो? अगर किसी मॉलिक्यूल में SN प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल में CN/2 प्रेजेंट होगा ही होगा। ये नोटिस पॉइंट लिख लीजिए क्या कि किसी मॉलिक्यूल में अगर SN में N इवन है तो उस मॉलिक्यूल में CN/2 होगी ही होगी। अब ये बात आप ये नोटिस कर लीजिए। अब इसका फायदा कैसे होगा, अब इस मॉलिक्यूल इस बात का फायदा कैसे होगा, आप ध्यान से समझना कि अब इस बात का फायदा होगा आपको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढने में। इस बात का फायदा कब होगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को ढूंढने में। कैसे, अगर आप देखेंगे कि जैसे ही आप देखेंगे किसी मॉलिक्यूल में C3 अवेलेबल है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि C3 अवेलेबल है तो S6 अवेलेबल हो सकती है। तो इसलिए कभी भी मॉलिक्यूल में मैं पूछूंगा कि इनमें से, अगर मैं आपको ऐसे मॉलिक्यूल दे दूं, मैं कह दूं आपके पास ये BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये CO2 मॉलिक्यूल है, ये CO2 मॉलिक्यूल है, उसके बाद मैं कह दूंगा कि यहां पर आपके पास इस तरीके का CP मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, CP मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और मैं कह दूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इस पर हम एक DPP सॉल्व करने वाले हैं, आज ज्यादा लंबा डिस्कशन कर लिया हमने। मैं कहूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन S6, तो ये S6 आपने देखा तो आप तुरंत समझ जाओगे जिसके पास S6 होगा उसके पास C3 होगा ही होगा। तो आप तुरंत चेक करोगे कि इन मॉलिक्यूल्स में से पास किसके पास C3 अवेलेबल है, तो इसके पास क्या है, C3 अवेलेबल है, तो इसके पास C3 अवेलेबल है, तो इसके पास S6 हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा लेकिन हो सकता है। तो मतलब क्या है, आप सिर्फ उसको ही चेक करोगे जिसमें C3 होगा, बाकी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो ये क्या करेगा आपके क्वेश्चन अप्रोच को, ये पॉइंट्स क्या करेंगे, आसान करने वाले हैं, और ऐसे सवाल ही आते हैं आपको हर जगह पर। तो आपको एक पहला पॉइंट समझ में आ गया साफ साफ, क्या समझ में आ गया कि आपके मॉलिक्यूल में अगर SN में नंबर जो N है वो इवन हो तो इवन वाले केस में CN और N का प्रेजेंट होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन CN/2 का प्रेजेंट होना ये बिल्कुल जरूरी है, ये होता ही होता है, ठीक है। तो अब अगली जो हमें बात करनी है वो अगली ये बात होगी इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की। इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो हमारा अगला पॉइंट छोटा सा बचा हुआ है वो है SN में अगर आपका N क्या हो ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर में क्या क्या जनरलाइजेशन पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या इसमें CN का होना जरूरी है, क्या इसमें परपेंडिकुलर सिग्मा का होना जरूरी है, या फिर अगर ये जरूरी नहीं है तो इस SN में N अगर ऑड हो तो और क्या क्या जरूरी हो सकता है, ये पॉइंट आपको खुद अप्लाई करना है। ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। आपको कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल चेक कर लेना जिसमें S3 अवेलेबल हो, या फिर जिसमें ऐसा कोई भी जिसमें S odd available हो, और उस odd में apply होने पर इन सवालों के जवाब आपको खुद चेक करने हैं structure बना कर अगले lecture देखने से पहले, और अगले lecture में आकर मैं इसको दोबारा generalize करूंगा, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन सीखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इन मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सिमेट्री ऑपरेशंस को, और कुछ सवाल हैं उन DPP एक बनाई है उस DPP को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही, ये बात जो मैंने बताई है इसको आपको चेक करना है, ये इस लेक्चर के बाद का आपका काम है। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैट केम क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।